पढ़ोगे? शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। आ जाओ गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आपका दोस्त अलू टेक्निकल आपके बीच में आ गए हैं एक दूसरी सीरीज लेकर के। तो अगर आप अच्छे हैं, सही हैं, मस्त हैं तो क्लास करते हैं और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। भैया क्या पढ़ते हैं? शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। चीज़ें क्लियर है? अब भाई शियर स्ट्रेस क्या है? शियर स्ट्रेस पता है आपको, ऐसा फोर्स है जो किसी भी बॉडी पे, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल और उसके इस शेप में लगेगा, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल और उस पर रप्टर टाइप का लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस। फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ जाएगा वो देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक काट है, जैसे आपके पास एक सेक्शन है कोई, इस सेक्शन पे हमने मान लिया है, कोई आपके पास एक सेक्शन है, ठीक है, कोई पाइप है, इस पर अगर मैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो आपके पास एक शेप ये आया है, इसको क्या बोलोगे? पैराबोलिक। क्या है? पैराबोलिक। और एक शेप और आपके पास आया है जिसको मैंने क्या बोला है? लीनियर। क्या बोला है? लीनियर। ये पूरा सेक्शन है, आपने देखा होगा यहाँ पे हमने क्या बोला है कि म्यू की वैल्यू ज़ीरो होती है, म्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी कहाँ पे? पैराबोलिक सेक्शन पे। और अगर मैं बात करूँ लीनियर की, तो टाऊ क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे टाऊ मैक्सिमम, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ पे टाऊ मैक्सिमम, म्यू क्या है? मैक्सिमम। यहाँ पे टाऊ मैक्सिमम, टाऊ मैक्सिमम, यहाँ पे टाऊ ज़ीरो। चीज़ें क्लियर है? यहाँ पे टाऊ ज़ीरो है जब ये लीनियर पोजीशन में है, जब ये लीनियर पोजीशन में है तो यहाँ पे टाऊ दोनों उसके सिरों पे क्या है? मैक्सिमम है। एंड उसके एक्सेस पे बीच में क्या है? ज़ीरो है। मैं जब बात कर रहा हूँ पैराबोलिक की, इसको सिरों पे म्यू की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है और बीच में मैक्सिमम है। चीज़ें क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपने देखा था एफ इजकल टू 64 अपन आर ई एंड एक था एफ डैश इजकल टू 16 पटा आर ई, ये क्या था? आपने पढ़ा था कि कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर, एक था फ्रिक्शन फैक्टर। तो सिर्फ अगर फ्रिक्शन फैक्टर की बात करेगा तो आप ये लगा दोगे, लेकिन अगर कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर की बात करेगा तो 16 अपन आर ई लगा दोगे, ठीक है, उसका डबल था वो, ये हो गया। अब हमने अगर देखना है, अगर हमने देखना है कि दो मेरे पास दो इसी टाइप के हैं, मान लो दो मेरे पास बेस हैं, मान लो दो मेरे पास बेस हैं, इन्हीं बेसों में वन टू कोई सेक्शन है, माना पी वन एंड पी टू प्रेशर लग रहा है, मान लो कि पी वन पी टू प्रेशर जैसे डिस्टेंस पे लग रहा है, सेक्शन वन एंड टू है मेरे पास। अगर मैं इसमें प्रेशर ड्रॉप की बात करूँगा, अगर मैं इसमें प्रेशर ड्रॉप की बात करूँगा तो क्या होगा? पी वन माइनस पी टू इजकल टू 32 म्यू एवरेज एल बटा डी स्क्वायर। क्या होगा? एल बटा डी स्क्वायर। ये फार्मूला किसका है? प्रेशर ड्रॉप का। पी वन माइनस पी टू या लिख लो डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर होगा। पी वन माइनस पी टू 32 म्यू ए, फिर एवरेज एल, फिर डी स्क्वायर। ये क्या है? प्रेशर ड्रॉप पे। ये क्या है? प्रेशर ड्रॉप पे। अगर ये प्रेशर ड्रॉप पे, अभी हमने क्या देखना है? शियर। अभी हमने क्या देखना है? शियर। भाई तो डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया ना हम लोगों ने, हाँ अभी देखो शियर, शियर स्ट्रेस देखो पहले। शियर स्ट्रेस क्या देखना है? शियर स्ट्रेस क्या है? शियर स्ट्रेस इस शेप में लगेगा, गर्मी बहुत है यार आज, तो शियर स्ट्रेस इस शेप में लगेगा, इस शेप में, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब यह होगा है कि जब हम किसी चीज़ पे कोई फोर्स लगाएं वो उधर से रेजिस्ट करे, उसको हम शियर बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। शियर मतलब ऐसे जाएगा और उसके जो विपरीत डायरेक्शन में जो वो भी शियर लगाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस।
क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या देखा, टाऊ वी इक्वल टू टाऊ यू इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डी यू अपॉन डी वाई। फिर क्या लिखा है कि टाऊ टी इक्वल टू, टाइम के सापेक्ष अगर मैं बात करूंगा तो ईटा डी यू डी वाई। अगर ये बात की जाए तो क्या है, विस्कस फ्लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फॉर विस्कस फ्लो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कह रहा है। अगर मैं बात करूं शियर स्ट्रेस ड्यू टू टर्बुलेंट टर्बुलेंस, इसके लिए टर्बुलेंस बात कर रहा है, डी म्यू टाइम्स ऑफ डी यू डी वाई, विस्कस फ्लो फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड ईटा शियर स्ट्रेस ड्यू टू टर्बुलेंस की बात करेगा, टर्बुलेंस की बात करेगा। अच्छा, ये टर्बुलेंस क्या होता है मैथमेटिकली, अभी अगर मैं देखूं तो बॉयजिंग हाइपोथेसिस से निकल के आया है, किससे, बॉयजिंग हाइपोथेसिस से निकल के आया है। अगर मैं ईटा की वैल्यू जीरो कर दूं तो ये कौन सा फ्लो हो जाएगा, लेमिनार फ्लो। अगर मैं ईटा की वैल्यू जीरो कर दूं तो ये लेमिनार फ्लो हो जाएगा। और इसके क्वेश्चन बन के आती है, अगर मैं बात करूं टोटल शियर स्ट्रेस की अगर आप बात करेंगे तो आप देखने को पाएंगे कि टाऊ विस्कोसिटी प्लस टाऊ टर्बुलेंस। अब ये म्यू टाइम्स डी यू डी वाई है, ये क्या है, म्यू टाइम्स डी यू डी वाई, लेकिन ये क्या आपका है, ड्यू टू मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन द फ्लूड लेयर, इसमें है ड्यू टू मोमेंटम ट्रांसफर फ्लूड लेयर। क्या कह रहा है कि विस्कोसिटी म्यू टाइम्स ड्यू डी वाई है, लेकिन टर्बुलेंट इसमें जा रहा है ट्रांसफर फ्लूड के, ट्रांसफर लेयर में जब फ्लूड फ्लो करेगा। जैसे क्लियर हैं, अगर क्लियर हैं तो आज यहीं तक रखते हैं, कल दूसरी क्लास में आते हैं, फिर घमासान पढ़ते हैं, फिर कुछ अच्छा सीखते हैं, ठीक है, पढ़ते रहिए, बोरिंग मत होइए, गर्मी बहुत है, फिर पढ़ाते हैं, ठंडक लेकर के आते हैं। ओके, बाय बाय।